जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरे मैकी के व्लॉग के साथ साथ आप लोगों को मेरी डेली रूटीन के व्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप लोग अक्सर मुझसे ही फरमाइश करते हैं कि आप प्लीज़ अपनी डेली रूटीन के व्लॉग्स डाला करें, हमें बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम बाद क्यों ना मैं डेली रूटीन के व्लॉग डालूं। तो सुबह यहाँ पे मेरी सुबह हो चुकी थी, सुबह 7 बजे, और मैंने सबसे पहले बच्चों को उठाया और फिर जल्दी जल्दी से इन लोगों को ब्रश वगैरह करवाया, और जो है जल्दी जैसे इन लोगों को ब्रश वगैरह करवाया मैंने कपड़े निकाल के रख दिए थे। देन मैंने जो है सुबह खाना बनाना था, तैयारी करनी थी, और मेरे खाने का मेन्यू था दाल मूली, मतलब हरी वाली जो दाल होती है ना उसकी, उसको मिलाकर हम लोग मूली के साथ बनाते हैं, मतलब वो भुजिया टाइप होती है। अब मैं नहीं जानती वो कितने घरों में बनती है कितने नहीं, बट लिटरली मेरे अम्मी के घर में तो नहीं बना करती थी, मेरे ससुराल में मैंने ये सास से बनाना सीखी। तो यहाँ पे ये दाल मूली मैंने जल्दी से उठते के साथ ही बच्चों को, जैसे बच्चे मुँह धो रहे थे कपड़े निकाल दिए थे, मैंने सबसे पहले दाल को धोकर इसको भिगो दिया, मतलब दाल को, इस हरी वाली दाल को अच्छे से भी वॉश भी इस वजह से करना होता है क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जो है ये लोग केमिकल्स लगाते हैं ताकि कीड़े वगैरह ना लगें दालों में। और ये हमारी अपने ही शॉप की दालें होती हैं, तो बहुत ज़बरदस्त दालें होती हैं, मैं तारीफ़ नहीं कर रही, लिटरली बहुत अच्छी दालें होती हैं कि एक भाप में गल जाती हैं, इनको घोटने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने इस दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था, और मेरा टारगेट ये था कि मैं जब तक बच्चों को रेडी वगैरह करके स्कूल भेजूँ जब तक ये दाल थोड़ी बहुत ही भीग जाए, मतलब इतना ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं घंटा दो घंटे भिगो सकती। वैसे अगर आप लोग घंटा दो घंटा भिगोएँ तो ये और ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी दाल है। अच्छा, हरी वाली दाल का ये होता है जब हम भिगो कर अगर 1 से 2 घंटे और रखेंगे ना, क्योंकि कहते मंगोड़े बनते हैं, मतलब बरूले जिसे कहते हैं, अक्सर लोग मंगोड़े भी कहते हैं और अक्सर लोग बरूले भी कहते हैं, तो इसके छिलके अलग हो जाते हैं और दाल बिल्कुल अलग हो जाती है, मतलब ये मूंग की दाल फिर बन जाती है। खैर, यहाँ पे मैंने इसको जब भिगोया उसके बाद मैंने फटाफट से चूल्हा जलाया क्योंकि मुझे बच्चों का जो है नाश्ता तैयार करना था। तो यहाँ पर मैंने आज जो है बच्चों के लिए नगेट्स बनाने थे। वैसे मेरे बच्चे ना ज़्यादा बहुत नाश्ता लेकर नहीं जाते, या तो फिर मुझे इनको फ्राइज़ देने होते हैं या नगेट्स, या फिर अंडा डिप रोटी बना के देती हूँ, और मतलब इससे ज़्यादा या तो ये लोग पैसे लेकर जाते हैं स्कूल में बिरयानी वगैरह या रोल वगैरह खा लें, इससे ज़्यादा ये लोग नहीं लेकर जाते। तो अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक ही फ्लोर पे दो दो फ्रिज, तो जी यहाँ पर हमारे एक ही फ्लोर पे दो फ्रिज हैं, एक सभा का फ्रिज है और एक मेरा फ्रिज है, हम लोगों ने दोनों ही खोल लिए थे। मतलब हुआ कुछ होता, बस अचानक से दोनों खुल ही गए थे, खैर अवॉइड करें। तो दूसरी तरफ जो है मतलब अल्लाह ना करे, आप लोग ये नहीं समझिएगा हमारे बीच कोई अनबन है फलाना है धमाका है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हुआ कुछ यूँ था कि जो नीचे वाले फ्लोर का था वो फ्रिज थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इस चक्कर में सभा का नीचे फ्रिज खुल गया था और मेरा ऊपर खुला हुआ था। देन फिर ये हुआ कि नीचे का फ्रिज जो है डबल डोर का हमारा न्यू आ गया, तो मतलब कैसे ऐसा कहा जाता है कि जो फ्रिज जो ओपन हुआ हुआ हो उसको फिर से जो है मतलब दोबारा से बंद करके नहीं रखा जाता, तो इसलिए फिर वो ऊपर भी खुला हमने रखा, सिर्फ ये रीज़न था। अच्छा, यहाँ पे मैं इतनी डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप लोग ये समझें कि नहीं वो मेरे फ्रिज से पानी नहीं पी सकती, मैं उसके फ्रिज से नहीं पी सकती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग का सब कुछ एक है, मतलब हम लोग जितनी भी जॉइंट फैमिली है तो उसमें ऐसा होता है कोई भी किसी से भी कुछ भी ले लेता है, हाँ चाहे तो निकाल लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सफ़ान मुझे देख रहा था, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ। जितने देर में मैंने नगेट्स आने, मैंने अंदर आके देखा बच्चों ने कपड़े खुद से पहनना शुरू कर दिए थे, तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि अब बच्चे जो है थोड़े बहुत कपड़े खुद से पहन लेते हैं, वरना ऐसा होता था कि मुझे ही हर चीज़ करनी पड़ती। ज़ाहिर है बच्चे छोटे भी हैं, बट मैं चाहती थी कि बच्चे सेल्फ डिफेंस और डिफेंस हो जाए, मतलब कि अपने आप पर जो है निर्भर करें थोड़ा बहुत, कि ये सारी चीज़ें खुद करें। तो शूज़ वगैरह मैंने निकाल के रख दिए थे, और उसके बाद मैंने कैचअप की छोटी छोटी सी दो डिबियाँ बनाई हुई थी, तो इसके अंदर मैंने कैचअप रखा बच्चों के लिए।
सफान जो है वो केचप के बिना बिल्कुल भी नहीं खाता, और सबूर इतने शौक से केचप खाता नहीं, मतलब उसके मूड पर नहीं भरे सबूर के तो। लेकिन फिर भी मैं एहतियातन दोनों को ही केचप देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि मतलब मेरे बच्चों को ऐसा ना हो कि ये हो कि अल्लाह ये होता तो हम ये कर लेते, तो इसलिए मैं लंच अगर देती हूँ ना तो उसके बाद पैसे भी लाजमी देती हूँ कि अगर लंच का दिल ना करे तो बच्चे पैसों से बिरयानी या रोल या एनी अदर कोई भी चीज़ मंगवानी हो ये लोग मंगवा लें, लोग का दिल ना मरे कि हमारा ये चीज़ रह गई। तो जितनी देर में बच्चे रेडी हो रहे थे उतनी देर में मैंने नगेट्स को सारे पलट दिए थे ताकि ये लोग जो है जल्दी जल्दी से मतलब सारे काम मेरे साथ साथ हों। अच्छा यहाँ पर बच्चे रेडी तो खुद ही जाते हैं, मतलब कपड़े तो खुद पहन लेते हैं लेकिन बच्चों के बच्चे बाल खुद से नहीं बना रहे होते स्पेशली सबूर, और ना ही शूज़ खुद से पहन रहे होते, तो यहाँ पे बाल वगैरह मुझे बनाने पड़ते हैं और शूज़ भी स्पेशली सबूर को तो मुझे मतलब दोनों को ही मुझे खुद ही पहनाने पड़ते हैं। यहाँ पे ना अगर बच्चों को सबूर को पता चले कि स्कूल जाने में भी 5 मिनट की भी देरी है तो वो लेट के फ़ौरन से सो जाता है, और उसको होता है कि मैं 5 मिनट के लिए भी सो जाऊँ, मतलब हम मुझे भी अपना बचपन याद आता है कि हम लोग बस मम्मी को बोलते थे अम्मी बस 5 मिनट और, अम्मी बस 2 मिनट और 2 मिनट सोने दें, ऐसा लगता था 5 मिनट और 2 मिनट में ना जाने कितनी मतलब हमें टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे सबूर और सफान दोनों की टाइमिंग चेंज है, आप लोगों को जैसे कि पता है सबूर जाता है 7:30-8:00 और सफान जाता है 9:30, तो समझ लो मुझे 7 बजे से 9 बजे तक मुस्तकिल उठे रहना पड़ता है, और 9 बजे के बाद जब मैं लेटने के लिए लगती हूँ तो जो है आप मतलब लेटने के लिए तो लगती हूँ तो आधा घंटा तो लेटने में लग जाता है, फिर वो आधे घंटे बाद फिर से फरहान उठा देते कि उन्हें फिर शॉप पे जाना होता है। तो यहाँ पे बच्चों की तैयारी में नगेट जो है थोड़े ज़्यादा फ्राई हो गए थे, बट ऐसे क्रिस्पी मुझे और सबूर को तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इनको जल्दी जल्दी से टिफ़िन दोनों ने पैक कर लिया था दोनों का। और नगेट्स वगैरह लंच वगैरह रेडी थे, और इतने में जो है सबूर को मैंने आपको जैसे कि बताया कि वो 5 मिनट के लिए सोना ज़रूर मांगता है, तो यहाँ पे टिफ़िन और उसका मैं थर्मोस रख कर मैं नीचे जाने लगी क्योंकि मुझे रेडी करना था सुबह का खाना। मैंने दाल वगैरह उठाई और मैं नीचे आ गई। अच्छा ऊपर नीचे के फ्लोर में ना घरों में ये टेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि इतने शिद्दत के चक्कर लग रहे होते हैं, ऐसा लगता है हम ऊपर नहीं जा रहे हैं हम बराबर रूम में जा रहे हैं, और जो है बराबर रूम में जा रहे हैं और हमारा रूम बराबर कमरे में ही है, और मतलब ऊपर नीचे के चक्कर ऐसे लग रहे होते हैं। जिनका फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर पर रूम होंगे वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से गैस सिलेंडर ऑन किया और दूसरी तरफ दूसरा चूल्हा ऑन किया। यहाँ पर मूली और मूली के पत्ते जो है मैंने रात को ही कटिंग करके रख लिए थे क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी होती है कि मुझे मतलब ये सब उलझन आ रही होती है करने में, तो दाल मूली मैंने रात को ही कटिंग कर ली थी। मूली जो है चॉप की जाती है और मूली के जो पत्ते थे वो पालक की तरह कटिंग किए जाते हैं बारीक बारीक। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम करने रख दिया था, और अगर आप पतीले को देखकर उसकी हालत देख रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूँ ये मेरी सास का पुश्तैनी पतीला है, बहुत ही पुराना पतीला है, वो इसी में खाना बनाया करती थी जब उनकी एज थी बनाने की, तो और अब तक ये पतीला चल रहा है और मैं इसी पतीले को पसंद करती हूँ, मतलब बहुत पतीले हैं ढेर पतीले हैं, मतलब पतीलों की दुकान है ये इतना समझ लें, क्योंकि सारी सी बातें मेरी भी जैस के और सारी मतलब हम लोग 8 जिठानियाँ देवरानियाँ हम सबके ही पतीले हैं, बट उसके बावजूद मैं इसी पतीले में बनाना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरा बस हाथ पे ये सेट है बस ये कह लें। तो अगर मैं आप लोग दाल मूली की रेसिपी अगर मैं थोड़ी बहुत आपको बतानी चाहूँ तो मैं आप लोग को ये बताती चलूँ कि जब सरसों का तेल अच्छे से जो है पक जाए तो उसके अंदर कुटा हुआ लहसुन जो है बारीक चॉप कर कर आप उसमें डाल दें, मतलब थोड़ी मिकदार आप ज़्यादा रखेंगे तो टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जब लहसुन गोल्डन हो जाए तो उसके बाद आप जो है ये दाल और मूली
जो है तो दोनों चीज़ें जो है ऐड कर दें, जो आपने रात को दाल मूली काटी थी और जो मूली और पालक और मूली के पत्ते काटे थे और जो दाल थी, दोनों चीज़ें ऐड कर दें। अच्छा, दाल मूली में आपने पिसी मिर्चें, नमक और हरी मिर्चें तीनों चीज़ें भी ऐड करनी है। यहाँ पर जब लहसुन गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपको उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है और उसको थोड़ी देर कसने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, ये जो दाल होती है, ये दाल मूली जो है बिखरी बिखरी बनती है, तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखिएगा इसमें पानी ज़्यादा नहीं डलेगा, क्योंकि मूली जो है वो अपना भी जो है पानी छोड़ती है। खैर, यहाँ पर मैंने जो है एक घूट या दो घूट पानी जो है इसके अंदर ऐड कर इसको सही से चलाकर और इसको ढककर रख दिया था। इतने में मेरी दूसरी तरफ जो है मटर आलू का मैं सालन बना रही थी, जिसकी तैयारी मैंने थोड़ी बहुत कर ली थी। मतलब मटर रात को ही छील कर रख दिए थे, हरी मिर्च वगैरह निकाल ली थी, मतलब प्याज वगैरह मैंने चॉप करके पहले से ही रख दी थी। अच्छा, मैं मटर आलू का सालन ऐसे बनाती हूँ कि इसमें जो है ना मैंने प्याज, लहसुन और अदरक का जो ना मैं पेस्ट बना लेती हूँ एक साथ मशीन में ग्राइंडर कर, और उसको पहले घी में अच्छे से उसको कस लेती हूँ, मतलब गोल्डन सा कर लेती हूँ। उसके बाद पिसी मिर्चें, धनिया, हल्दी इसमें ऐड कर और फिर मतलब मसाला भूनने के बाद फिर मटर और आलू के साथ टमाटर डालकर हरी मिर्च ऊपर से डालकर इस तरीके से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस रेसिपी से मतलब बहुत ही मज़ेदार बनता है मटर आलू का सालन। और जो ऊपर से हरी मिर्च डलती है ना, उसको रोटी के साथ जब हम बीज निकाल निकाल के खाते हैं सालन के साथ, तो वो तो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। खैर, यहाँ पर मेरा मटर आलू का सालन भी रेडी हो चुका था और दूसरी तरफ मैंने दाल मूली भी चढ़ा दी थी। फिर मुझे याद आया, वैसे नॉर्मली भी यही होता है कि हम लोग जब सब खाना वाना सब कुछ बना के फारिग हो जाते हैं, फिर हम लोग को याद आता है कि हमें पानी भी पीना है। मतलब जबकि हमें ये करना चाहिए कि पानी हम पहले पिए और उसके बाद सारी चीज़ें करें, बट ऐसा नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं होता। हमारा होता हम पहले सारा काम ख़त्म कर लें और उसके बाद ही पानी वगैरह पिए। और ये पानी तो दुनिया पे, तो अभी मैंने नाश्ता भी नहीं किया था क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल का टाइम था। सबूर को सुला कर मैं सबूर को स्कूल के लिए रेडी कर उसका टिफ़िन पैक कर मैं नीचे ये सारे काम करने के लिए अपने आ गई थी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार शक्ल आई है मटर आलू के सालन की, और यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। और मैंने अब इसको ढक दिया था क्योंकि हरी मिर्चें डालने के बाद, ताकि थोड़ी सी गिलावट हो जाए हरी मिर्चों में। दूसरी तरफ मैंने देखा तो दाल मूली जो है अभी कसर थी, इसमें कच्ची पड़ी हुई थी, और मटर आलू का सालन मेरा रेडी हो चुका था। तो मैंने फिर चूल्हा बंद कर मैंने फटाफट से मैंने ये सोचा कि मैं ऊपर जाऊं, क्योंकि 8 बज चुके थे सुबह के और हिकमत आ गया था क्योंकि बच्चों को स्कूल लेकर जाना था उसने। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई और सबूर को जल्दी से उठाया कि सबूर को भेज दो। यहाँ पर सबूर मस्त होकर स्कूल के ड्रेस पहन के सो रहे थे। अच्छा, आप लोगों को अक्सर कहते हैं आपकी आवाज़ इतनी बैठी रहती है जी, तो ऐसा है, मेरी आवाज़ जो है बैठी रहती है, पता नहीं क्यों, बच्चों की वजह से या किसी भी वजह से मेरी आवाज़ ज़्यादातर बैठी ही रहती है। खैर, यहाँ पर मैंने टिफ़िन जो तैयार किया था वो सबूर को दिया, और सबूर चिड़चिड़ कर रहा था कि मम्मा हम नीचे आकर बैग में रख दें, बट फिर मुझे और हल्का सा आ रही थी कि दोबारा से नीचे जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा आप प्लीज़ ले जाओ सबूर। खैर, वो फाइनली ले गया और मैंने उसको स्कूल के लिए पैसे भी दिए। और फिर ये जो दाल मूली थी मैं ऊपर ले आई थी क्योंकि फिर मुझे दोबारा से नीचे ऊपर के चक्कर लगाने पड़ते। सबूर को स्कूल भेजने के बाद जो है मैंने ये दम पे छोड़ी, और जब तक सफ़ान 8:45 तक जाता है तब तक ये मेरी दाल मूली रेडी हो चुकी थी। ये मैं दम पे छोड़ने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर लेटने के लिए चली गई थी क्योंकि सफ़ान भी सो रहा था, और सफ़ान को रेडी करके मैंने सुला दिया था। तो 1 घंटे बाद जब मैं उठी हूँ, मतलब 8:45 के करीब, तो दाल मूली कंप्लीट रेडी हो चुकी थी, और सफ़ान, बुरहान और अबीरा भी स्कूल जाने के लिए हमने फिर से इन लोगों को उठा दिया था। मतलब सफ़ान को मैंने उठाया था, बुरहान, अबीरा तो वो 8:45 ही जाते हैं, मतलब मेरी जिठानी के बच्चे। अच्छा, ये एक स्प्रे है जो कि पॉलिश का स्प्रे है, और ये इतना कोई ज़बरदस्त स्प्रे है, फरहान नए लेकर आए थे, और मतलब लेकिन ये यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप इतना स्प्रे करें और मतलब 4 से 5 दफ़ा में ही ये पूरी बॉटल ख़त्म हो जाती है, तो बेहतर है कि वही पॉलिश ही सही रहती है। मतलब ये अच्छा है लेकिन ये वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे सफ़ान इतना नींद में हो रहा था कि सोते सोते ही बाल बना रही थी मैं इसके, और फिर मैंने इनका मुंह धुलाया और उसके बाद फिर मैंने इनको स्कूल के लिए रवाना किया।
खैर 9 बजे सफ़ान को भेजने के बाद मैं फिर से लेट गई थी क्योंकि मेरा खाना वगैरह सब रेडी था। फिर मैं 10:30 बजे के करीब उठी हूँ और मैंने जल्दी जल्दी से ब्रश किया क्योंकि फरहान को शॉप पे भेजना था। और मेरे साथ साथ उठने में सबसे ज़्यादा ना पता है किस चीज़ से चिढ़ती हूँ, जिस वक्त मैं उठूँ ना और उस वक्त जो है एजल भी मेरे साथ साथ उठ जाए, ये लम्हा मेरे लिए इतना इरिटेटिंग होता है क्योंकि एजल मुझे अपने में इतना ज़्यादा उलझा देती है कि वॉशरूम और कि उसको हाथ के आती, उसको भी ब्रश करवाओ, ये करो वो करो, तो मैं बहुत ज़्यादा ना डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मतलब एक्चुअली उसने वही सब चीज़ें करनी होती हैं जो मैंने करनी है और मुझे इन चीज़ों से उलझन आ रही थी क्योंकि मेरा टारगेट ये होता है कि फरहान को फटाफट से उठा कर कपड़े इनके निकाल कर मैं फ्रेश हूँ और ब्रश वगैरह करूँ और फ़ौरन से उनके नीचे आने से पहले ना मैं नीचे चली जाऊँ और चाय वगैरह रेडी करके मैं टेबल पे रख दूँ ताकि वो आएँ उनको सारी चीज़ें रेडी मिले। लेकिन क्योंकि फरहान का ये होता है कि मैं आऊँ तो मुझे वेट ना करना पड़े, तो यहाँ पर मैं जल्दी से ब्रश कर रही थी और एजल उठ गई तो मैं बहुत उलझ चुकी थी और मुझे बहुत गुस्सा आता है। बस मुझे ये होता है कि ये चले जाएँ और उसके बाद ही मैं उठूँ ताकि जो है फिर मैं इसको सुकून से इस पर तवज्जो दे पाऊँ। खैर सारी चीज़ें कर मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरी। अच्छा यहाँ पर भी एक मसला आ जाता है, ये जब मैं नीचे उतरी होती हूँ ना एजल का मसला ये होता है कि ये मेरे दुपट्टा पकड़ के नीचे उतरेगी। कभी कभी मुझे ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं बट मोस्ट जो है मुझे इरिटेट कर देती हैं क्योंकि मेरा काम बहुत ना जल्दी जल्दी का होता है कि बस मुझे फटाफट चीज़ करना ये करना है और एजल बहुत मुझे अपने में उलझा देती है। खैर यहाँ पर मैं नीचे आई, फटाफट से मैंने अंडे निकाले और आज मैं बनाने वाली थी ब्रेड वगैरह। अंडे में पीसी मिर्चे, दूध और चीनी थोड़ी सी ऐड कर इसको मतलब फेट कर जो ब्रेड जो है इसमें डीप करके घी में बनाते हैं आगे खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, वो रेडी कर रही थी। खाना तो मैंने सुबह ही रेडी कर लिया था और उसके बाद जो है मेरा टारगेट था रोटियां डालना, तो मैंने फटाफट से मतलब दुकान पे जो जाती है ना वो रोटियां भी जाती हैं हमारी इन लोगों के लिए, तो मैंने फटाफट से रोटियां डाली और इतना टाइम हो गया था। आज फ्राइडे था और बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते थे तो फरहान जा रहे थे और बच्चे स्कूल से मतलब सफ़ान स्कूल से आ चुका था, सफ़ान की छुट्टी जल्दी होती है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे फरहान से जो है पैसे लेने के लिए रुक गए थे कि पापा मैं चीज़ के पैसे दे के जाएँ, और ये मुझे ना टाइम बड़ा अच्छा लग रहा था जब बच्चे ज़िद कर देंगे फरहान पापा हमें चीज़ के पैसे दे के जाएँ, मुझे मतलब ये मोमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे एजल जो डर रही थी रोड क्रॉस करने में क्योंकि एक दफ़ा उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके दिल में ना इस बात का डर बैठ गया है कि मैं रोड क्रॉस करूँगी और फिर से बाइक वाले मुझे मार के चले जाएगा। खैर आज जुम्मा था तो मैंने बच्चों को जल्दी से शलवार कमीज़ निकाला, ये स्कूल से आ चुके थे, मैंने इनको रेडी किया, इनको खाना वाना खिलाया और फटाफट से नमाज़ के लिए इनको रवाना किया। मेरी सफ़ान को नमाज़ का माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक है। तो अब मैं फ़्रेश हो गई हूँ और मैं अपने बालों में ये सीरम यूज़ करती हूँ चीका, और ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त सीरम है, मतलब मोस्ट फेवरेट सीरम है मेरा। मेरे फर्स्ट टाइम जब बाल रिबॉन्ड हुए थे तो वो चीकी प्रोडक्ट से ही हुए थे और ये तब का ही मेरे पास है क्योंकि ये वन ड्रॉप सिर्फ पूरे हेयर्स के लिए इनफ होता है, तो इसी वजह से ये अब तक चल रहा है, मतलब 3-4 साल हो गए अब तक चल रहा है और मुझे नहीं पता ये एक्सपायर हुआ है या नहीं, बट ये अब तक काम वैसा ही करता है जैसा करना चाहिए। सिर्फ इसके तो ये देखिए इसके सिर्फ ये 2 से 3 ड्रॉप्स ही, मतलब इतना सही, इट्स इनफ फॉर हेयर्स।
यहाँ पर मैं सारे काम ख़त्म करके बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद, मतलब बच्चे नमाज़ पढ़ के आए उसके बाद मैंने इनको खाना वाना खिलाया, देन इनको ट्यूशन के लिए रवाना किया। फिर मैं और मेरी देवरानी निकल गई शॉपिंग के लिए, क्योंकि आप लोग को जानते हैं ये बात कि मेरे घर में शादियाँ चल रही हैं, शादियाँ नहीं शादी चल रही है, मेरी जिठानी की बेटी की शादी है और उसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मतलब शॉपिंग वगैरह करने में हर लड़की को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो एक से एक तैयारी करनी थी कि क्या लेना था क्या नहीं, क्या पहनना बनाना था। और मेरा जहाँ तक टारगेट था ना, वो मेरा मुझे ये टारगेट था कि मुझे कपड़ा लेके उसको स्टिच करना है, अपनी डिज़ाइनिंग देनी है। तो यहाँ पे मैंने वही किया, मैंने अपनी देवरानी को लिया और फटाफट से हम लोग निकले शॉपिंग के लिए। खैर यहाँ पे हम लोग राबी सेंटर पहुँचे, तारिक रोड राबी सेंटर, क्योंकि हमें मेन था, मेरा तो निका का ड्रेस में ले आई थी, मेन था हमारा कि जो है ना मानूर का मैंने निका का ड्रेस लेना था। तो हम लोग पहुँचे एक शॉप पर जहाँ पे आजकल जो है ये पन्नी का वर्क का काम बहुत ज़्यादा चल रहा था। राबी पर फ्राइडे वाले दिन इतना रश था क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे वाले दिन सेल लगती है पूरे राबी सेंटर में, और बहुत अच्छी सेल लगती है और बहुत ही अच्छा कपड़ा मिलता है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हमें मानूर के लिए ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा, हमने देखते ही इसको डन कर दिया था। और ये काफ़ी हद तक जो सिमिलर था मेरे उस ड्रेस से जो मैंने शाहजेब की तारीख में पहना था, बट ये फिर से काफ़ी ज़्यादा इन हुआ हुआ है और यही हमें इससे ज़्यादा अच्छा कोई भी ड्रेस नहीं लग रहा था। तो हमने वो ड्रेस पिक किया, उसके बाद हम लोग आगे निकले और मैं यहाँ पर आऊँ और फ्राइज़ ना खाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इनफैक्ट मैं किसी भी मार्केट जाऊँ, मार्केट का मैं कहीं भी जाऊँ और मैं फ्राइज़ ना खाऊँ ऐसे तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने फटाफट से फ्राइज़ लिए और हम लोग आगे बढ़े, तो हम लोगों ने देखा कि टोपे वगैरह मिल रहे थे, सर्दियों की चीज़ें आ चुकी थी मार्केट में, तो हमने बच्चों की सर्दियों की चीज़ें ली क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हमारा जो दूल्हा था वो मर्दान से बारात लेके आ रहा था, तो हमें वलीमे के लिए मर्दान जाना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी बच्चों की तो यहाँ पे हमने मोटी मोटी बच्चों की चीज़ें ली और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों को ये पम्प्स बहुत अच्छे लगे, ये वो उसने ये हमें 1000 रुपये के पम्प्स दे रहे थे और वो मुझे बड़े अच्छे लगे और वो मैंने और मानू ने दोनों ने ले लिए। उसके बाद मुझे लेना था खुशबू का ये ड्रेस, तो मैंने ये खुशबू का ड्रेस लिया और ये मुझे उसने 2000 का बताकर 1800 में मुझे दे दिया और स्टिच सूट मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पर एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई थी। हम आगे बढ़े तो हम मतीन सेंटर पहुँचे, मतीन सेंटर पे ये महानूर जो है मुझे इस दुकान पर ज़बरदस्ती ले आई, जबकि उसको कुछ फ्रॉक वगैरह नहीं लेनी थी, बट उसने भी ली और फिर मैंने भी ली। और मतलब साइड से बातें कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो लेनी ही पड़ती है, दिल नहीं मानता। उसके बाद हम लोग ये इससे शॉप पे पहुँचे, ये एक पार्को पता नहीं पोर्गो के नाम से एक शॉप है मदीन सेंटर पे, और कोई बहुत ही ज़बरदस्त ही शॉप है और इतने सस्ते में मतलब 800-1000 रुपये में आपको ब्रांड के शूज़ मिलेंगे और यूज़ भी नहीं, मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली नए शूज़ मिलेंगे। क्योंकि यहाँ ये मतलब ये बहुत ही अच्छी दुकान है, अगर आप लोगों में से किसी ने इस दुकान पे विज़िट नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। मतीन सेंटर पे पोर्गो या पार्गो के नाम से कुछ इसी तरीके का नाम है, इस नाम से ही शॉप है। हमने इतने ज़्यादा शूज़ लिए थे कि उन्होंने हमें जो है जूसेस मंगवा के पिलाए, मैंने अनार का जूस मंगवाया था और वो इतना खट्टा हो रहा था कि मुझसे पिया भी नहीं जा रहा था, बट मैंने फिर भी पिया क्योंकि काफ़ी बहुत लो हो रहा था। सुबह से मतलब दोपहर से निकले हुए थे हम लोग और रात हो चुकी थी, हमने ढेर सामान खरीदा था आज बहुत 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 ज़्यादा। खैर मेरा यही व्लॉग था आज का, उसके बाद मतलब हम लोग घर चले गए थे, फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। होप सो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 हमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।